हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीएससी ज्ञान। आई होप सब लोग बढ़िया होंगे और सही होंगे। सो हम कंटिन्यू करेंगे हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की क्लास। इसमें हम जो है प्लांट एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लांट एनाटॉमी में हम पढ़ेंगे उत्तक, उत्तक तंत्र, द्विबीजपत्री तथा एकबीजपत्री पादपों का शरीर और द्वितीयक वृद्धि। सो जो सेल है, कोशिका जो है क्या होती है, एक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है किसी भी प्लांट की या एनिमल की। और सेल मिलके जो है वो क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं। सो उत्तक जो है वो कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है और उनके कार्य भी जो है वो प्राय समान ही होते हैं। और उत्तक को जो है प्लांट में विभिन्न प्रकार के पौधों में जो है वो विभिन्न प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। और इनका वर्गीकरण जो है वो कोशिका का विभक्त होना अथवा न होना पर होता है। तो इसके आधार पर हम इनको दो भागों में बांट सकते हैं या दो तरह के उत्तकों में जो है बांट सकते हैं। पहला है वर्ग विभाज्योतिकी यानी मेरिस्टेमी और दूसरा है स्थायी उत्तक। तो मेरिस्टेमी उत्तक क्या होता है, ये पौधों में जो है मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले जो है सेल होते हैं, उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं ये। और ये विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित रहते हैं जिसे हम मेरिस्टेम कहते हैं उस क्षेत्र को। और ये जो उत्तक होते हैं जो विभाजन करते हैं उन्हें हम मेरिस्टेमी उत्तक कहते हैं। सो पौधे में जो है विभिन्न प्रकार की मेरिस्टेम होती है जो कि मेरिस्टेम मूल और तने के शीर्ष पर होती है। और वो उत्तक जो है ये प्राथमिक उत्तक बनाते हैं उन्हें हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं, यानी जो प्राइमरी टिश्यू बनाते हैं उन्हें हम शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। और मूल शीर्षस्थ मेरिस्टेम जो है वो मूल में उपस्थित, तो मूल की चोटी पर और तने के जो है मूल की चोटी पर उपस्थित होता है। और तने की जो है शीर्षस्थ मेरिस्टेम तने की चोटी पर उपस्थित होती है। सो यहाँ पर हम देखेंगे कि शीर्ष मेरिस्टेम जो है मूल और ये प्ररोह है। सो मूल वाला हमने जब रूट पढ़ा था तब भी हमने देखा था जो रूट का। सो ये इसकी जो है मूल गोप है और इसके जस्ट ऊपर जो है मूल शीर्ष मेरिस्टेम वाला केंद्र जो है वो पाए जाते हैं सेल्स। ये जो है बलकुट और केंद्र सिलेंडिकल सिलेंडर का प्रारंभ है। और ये बाहर वाली जो है वो प्रोटोडर्म है और अंदर वाला जो ये है ये केंद्रीय सिलेंडर है और ये बलकुट है। ठीक है, ये वाला जो है ये बलकुट है। सो ये जो है मूल मेरिस्टेम है। यहाँ जो है सेल का इलॉन्गेशन होता है, वृद्धिकरण होता है। तो ये और दूसरा जो है वो प्ररोह है, इसमें भी सेम जो है एपिकल मेरिस्टेम जो शो होता है। सो ये पत्ती अधातक है, प्ररोह शीर्ष जो मेरिस्टमेटिक क्षेत्र है तो यहीं से जो है इसमें डिविजन होता है, विभाजन होता है और जो शीर्ष है उसमें वृद्धि होती है। सो अब हम देखेंगे कि जो जैसे कि जब पत्तियां बनती तो उनके बनने और तने की लंबाई के समय जो कुछ कोशिकाएं हैं वो प्ररोह शीर्षस मेरिस्टेम में जो पीछे छूट जाती हैं तो उन्हें हम कक्षीय कली कहते हैं। और ये जो है पत्तियों के कक्ष में यानी बेस में प्रेजेंट रहती हैं और इन्हीं कलियों से जो है क्या होते शाखा और फूल बनते हैं। तो ये मेरिस्टमेटिक टिश्यू है और ये आगे जो है डिवाइड हो रही है किसमें, शाखाओं और फूलों में। तो जब मेरिस्टेम जो है वो स्थायी उत्तकों के बीच में होता है तो उसे हम अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं जो कि घास में पाया जाता है। और घास में जब जो शाकाहारी जो जंतु हैं वो जब ऊपर वाली घास खा लेते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि उनके खाने से घास पूरी ख़त्म हो जाएगी। घास जो है वो दोबारा उग जाती है किसकी वजह से, अंतर्वेशी मेरिस्टेम की वजह से। और शीर्षस मेरिस्टेम और अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही जो है प्राथमिक मेरिस्टेम है क्योंकि ये जो है जब पौधा बनता है तो उसकी प्रारंभिक अवस्था में ये बन जाती हैं और ये उसके प्राथमिक और पूर्ववर्ती पादप काय बनाने में जो है सहायता करते हैं। तो इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, प्राथमिक मेरिस्टेम कहते हैं। मेरिस्टेम जो है मूल और प्ररोह के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, उनमें जो है विशेष रूप से काष्ठी कक्ष बन जाते हैं और प्रथम जो प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं यानी काष्ठीय कक्ष बन जाएंगे। और जो पहली वाली मेरिस्टेम है उसके बाद जो उत्पन्न होंगे उनको हम क्या कहेंगे, द्वितीयक मेरिस्टेम या पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये इसकी आकार जो है वो सिलेंडर की आकार की होती है। और इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं पूलिए कैम्बियम, अंतर पूलिए कैम्बियम,
कॉर्क कैम्बियम और पार्श्विक कैम्बियम, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। सो प्राथमिक और द्वितीयक दोनों मेरिस्टेम जो है वो कोशिका विभाजन के बाद जो है नई नई कोशिकाएं बनाती हैं जो रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट होती है, यानी उनके स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं, उनमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, तो वो जो है क्या हो जाती है, उनको हम स्थायी या फिर परिपक्व कोशिका कहते हैं, यानी सेकेंडरी जो है उसके बाद उनमें जो है नई उनमें डिवीजन की पावर जो है वो ख़त्म हो जाती है, तो उन्हें हम परिपक्व कोशिका या स्थायी कोशिकाएं कहते हैं। तो ये कोशिकाएं जो स्थायी उत्तक बनाती हैं और ये पौधे की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम के विशिष्ट क्षेत्र में त्वचीय उत्तक, भरण उत्तक और संवहन उत्तक बन जो है यहाँ पे बनते हैं। उसके बाद हम देखेंगे स्थायी उत्तक क्या होते हैं। तो स्थायी उत्तक जो है वो कोशिकाएं होती है जो विभक्त नहीं होती हैं या बहुत कम उसमें जो है डिवीजन की कैपेसिटी होती है, वो और अधिक विभक्त नहीं होंगी। तो स्थायी उत्तक जिनमें कोशिका की रचना जो है वो एक समान ही होगी, और उनके ऐसे स्थायी उत्तक जिनमें कोशिका की रचना एक समान है और वो एक जैसे ही काम करते हो उनको हम सरल उत्तक कहते हैं, यानी एक जैसे सेल्स रहेंगे वो तो सिम जो सरल उत्तक होंगे, और स्थायी उत्तक जिनमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं वो होते हैं जटिल उत्तक। सो सरल उत्तक जो है वो एक ही प्रकार की कोशिकाएं होती हैं इनमें, और हर एक जो पौधा है उसमें विभिन्न प्रकार की सरल कोशिकाएं पाई जाती है, जैसे पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, जिसे हम दृढ़ोत्तक भी कहते हैं। सो पैरेन्काइमा जो है वो अंगों के अंदर जो मुख्य घटक है, ये कोशिका की सम इसकी जो कोशिकाएं वो समव्यासी होती हैं, यानी आइसोडायमेट्रिक होती हैं, और इनका आकार जो है वो गोलाकार, अंडाकार, बहुकोणीय और लंबा हो सकता है। सो ये डिफरेंट जो है शेप में भी अवेलेबल रहती हैं, और इनकी भित्ति जो है वो सेल्युलोज की बनी होती है और बहुत ही पतली होती है, और ये काफ़ी जो है सटी हुई भी रह सकती है, और मतलब बिना किसी गैप के जो है, जैसे यहाँ पे है ये, तो ये बिना किसी गैप के जो है सटी हुई भी रह सकती हैं, या फिर इनमें जो है अंतर कोशिकीय स्थान भी पाया जा सकता है जैसे इनमें पाया जा रहा है। तो ये हो गया सरल उत्तक। सो पैरेन्काइमा से जो है उसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि प्रकाश संश्लेषण और जो फूड है उसका संचय करना और स्राव संपन्न, ये सारे जो काम है वो पैरेन्काइमा का होता है। उसके बाद जो है कॉलेनकाइमा आता है। सो ये देखो कॉलेनकाइमा का, ये द्विबीज पत्री पौधों की जो है बाह्य त्वचा के नीचे होता है ये, इसमें जो है ये या तो एक समान होगा या फिर ये जो है चकती के रूप में भी पाया जा सकता है। तो इसकी कोशिका भित्ति जो है वो पतली होती है, लेकिन इसके जो कोने हैं, जैसे ये कोने दिख रहे हैं, तो ये मोटे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है सेल्युलोज, हेमिसेल्युलोज और पैक्टिन जो है वो जमा हो जाता है, तो इसकी वजह से इनके कोने जो है मोटे हो जाते हैं, लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति है वो पतली होती है। सो इनकी जो आकार है इन कॉलेनकाइमा की वो अंडाकार हो सकती है, गोलाकार हो सकती है या फिर बहुकोणीय भी हो सकती है। इनमें प्राय जो है क्लोरोप्लास्ट होता है, और इन कोशिकाओं में जब क्लोरोप्लास्ट होता है तो वो भोजन का स्वांगीकरण भी कर सकते हैं, और इनमें अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता जैसे इसमें दिख रहा है, एकदम क्लोजली जो है जुड़ी हुई हैं कोशिकाएं, तो इनमें ये अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होता है, और ये जो जो पौधे जो वृद्धि कर रहे होते हैं तो उनके जो तने हैं, जो नए नए तने, शैशव तने हैं, और उनकी पत्ती का जो व्रंथ है उसको ये यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं कॉलेनकाइमा वाले। फिर उसके बाद आएंगे स्क्लेरेनकाइमा। सो ये जो है दो तरह की हो सकती है, ये लंबी संकरी कोशिकाएं होती हैं और इनकी कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है और उसमें लिग्निन होता है। और इनमें जो है इनकी भित्ति में कुछ गर्त जो है वो भी मतलब कुछ, और मतलब कभी कभी थोड़े और कभी ज़्यादा गर्त भी जो है मिल सकते हैं। सो ये हम देखेंगे, ये दो तरह की सेल होती हैं और इसमें जो है ये मृत कोशिकाएं होती हैं और प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है इनमें। तो आकार, रचना, उद्भव तथा विकास में जो है विभिन्नता होने के आधार पर ये हो सकती है स्क्लेरेनकाइमा जो है तंतुमय हो सकती है या फिर स्क्लेरिड हो सकती है। देखो ये तंतुमय है और एक ये स्क्लेरिड है। सो ये स्क्लेरेनकाइमा है। सो जो तंतु वाली होती है, जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, इसकी मोटी जो है भित्ति होती है और ये लंबी नुकुली जो है नुकीली दिख रही है हमें, तो नुकीली जो है मृत कोशिकाएं होती हैं
और ये जो है समूह में पाई जाती है, विभिन्न जो पौधे का जो विभिन्न भाग है उनमें समूह के रूप में पाए जाते हैं। तो स्क्लेरेट का आकार जो है यहाँ देख सकते हैं हम, गोल होता है और ये गोलाकार, अंडाकार या फिर सिलेंड्रिक आकार हो सकती है। ये बहुत अधिक मोटी होती है और मृत स्क्लेरेन्काइमिक कोशिकाओं की बनी होती है, जिनमें ये जो है गुहिकाएं जो है ये बहुत ही संकरी होती हैं, और ये प्राय जो है गिरीदार फलों की भित्तियों की कोशिकाओं में और फल जैसे कि अमरूद है उनमें ये पाई जाती है, और नाशपाती और चीकू के गूदे में, क्योंकि उनमें दाने दाने जैसा, अगर हम खाएंगे खाते हैं उनको तो उनमें दाने दाने जैसा जो स्ट्रक्चर रहता है वो इसी की वजह से रहता है। और लेग्यूम्स के बीच जो है आवरण तथा चाय की पत्ती में भी ये पाए जाते हैं। तो स्क्लेरेन्काइमा जो है वो पौधों को यांत्रिक सहायता देती है। तो ये तीन तरह के जो सेल हैं वो हो गई पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, तीनों के अलग अलग फंक्शन हैं। फिर अब देखेंगे हम जटिल ऊतक। तो जटिल ऊतक में दो प्रकार की कोशिकाएं आती हैं, जाइलम और फ्लोयम। तो जाइलम जो है वो मूल से पानी और खनिज लवण को तने तथा पत्तियों तक पहुंचाता है, और ये एक जो है समन ऊतक की तरह कार्य करता है, और ये पौधे के अंगों को यांत्रिक सहारा भी देता है। और ये जो है चार तत्वों, वाहिनिकी यानी ट्रैकेड, वाहिका, जाइलम तंतु और जाइलम पैरेन्काइमा से मिलके बना होता है जाइलम। सो ये है ट्रैकेड्स और ये है वाहिका। सो वाहिनी की जो है वो क्या होती है, लंबी होती है देख रहे हैं हम, और जो है नलिकाकार कोशिका है, और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो मोटी होती है और लिग्निन की होती है, और गुहिका जो है वो शुंडाकार होती है इसकी, और ये मृत होती है और इसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और इसकी जो है कोशिका की जो भीतरी भित्ति है वो सतह, उसकी सतह जो है मोटी होती है, जिनकी आकृति जो है वो भिन्न होती है। और पुष्पी पादपों में वाहिनिकी तथा वाहिका पानी के स्थानांतरण के लिए जो है मुख्य अवयव है। फिर वाहिका जो है वो लंबी सिलेंड्रिकाकार नली है, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम वाहिका अवयव कहते हैं, और हर एक जो सेल है इसकी भित्ति लिग्निन से बनी होती है, और उसमें जो बड़ी केंद्रक गुहिका होती है, ठीक है, और इसमें भी जो है प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, ये एक दूसरे से लंबवत जो है छिद्रित पाइपों से जुड़ी रहती है, छिद्रित पाइपों की भांति जुड़ी रहती है लंबवत। और वाहिका का होना जो है एंजियोस्पर्म का प्रमुख लक्षण है, और जाइलम तंतु उसके बाद, ये जो उसका थर्ड कंपोनेंट है जाइलम का, इसकी भित्ति मोटी होती है और इसकी जो है केंद्रिका गुहिका जो है वो विलुप्त हो जाती है, क्योंकि इसकी जो वॉल है वो मोटी हो जाएगी लिग्निन से, तो उसमें जो केंद्रीय गुहिका है वो विलुप्त हो जाती है, इस वजह से ये पट्टी और अपट्टीय हो सकती है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो है ये कोशिकाएं जीवित होती हैं, बाकी की तीन जो क्या थी मृत थी, लेकिन इसकी जो कोशिकाएं वो जीवित है, और इसकी भित्ति पतली होती है और जो कि सेल्युलोज की बनी होती है। इसमें स्टार्च, वसा और अन्य जो पदार्थ हैं जैसे टैनिन, ये भोजन के रूप में संचित रहता है, किसमें, जाइलम पैरेन्काइमा में, और ये पानी का जो है त्रिज्य संवहन रे पैरेन्काइमा कोशिका के द्वारा होता है। तो प्राथमिक जाइलम दो प्रकार का होता है, आदिदारु प्रोटोजाइलम या फिर, और दूसरा होता है मेटाजाइलम, और जिसे जो पहले बनने वाला जाइलम है उसे हम प्रोटोजाइलम कहेंगे, और जो बाद में बनने वाला जाइलम है उसे हम मेटाजाइलम कहते हैं। सो इसका जो अरेंजमेंट है वो दो प्रकार का होता है, जो तना है उसमें ये मध्यादिदारुक होता है, यानी प्रोटोजाइलम जो है वो केंद्र में होगा, पित्त की ओर होगा, और मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ होगा, परिधि की तरफ होगा। और दूसरा जो अरेंजमेंट है वो रूट्स में होता है, जो बाह्य आदिदारुक और जिसे हम कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रोटोजाइलम तो बाहर की तरफ होगा और मेटाजाइलम जो है वो अंदर की तरफ होगा, सेंटर की तरफ होगा। सो ये दो प्रकार का जो है अरेंजमेंट होता है इनमें। सो फ्लोएम का क्या काम होता है कि फ्लोएम जो है भोजन जो बनता है पत्तियों में उसको अन्य भागों तक पहुंचाता है। तो एंजियोस्पर्म में जो फ्लोएम होता है उसमें चालनी नलिकाएं, तत्व सहचर कोशिकाएं और फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम तंतु होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में जो है ये एल्ब्यूमिनिक कोशिकाएं होती हैं। सो चालनी नलिकाएं जो हैं, नलिका तत्व जो है लंबे नलिका की तरह संरचना होती है, लंबवत होते हैं और सहचर कोशिकाओं कोशिकाओं से ये जुड़ी हुई होती है,
और इनकी जो अंदर वाली भित्ति है वो चालनी की तरह छिद्रित रहती है। चालनी तो सबने देखी होगी, सबके घर में होती है, और जो कि चालनी प्लेट बनाती है। और एक जो परिपक्व चालनी तत्व है उसकी परिधि में साइटोप्लाज्म होता है और एक बड़ी रसधानी होती है, और इसमें जो है केंद्रक नहीं होता। अब इसमें केंद्रक नहीं होता तो इसके काम कौन नियंत्रित करता है? तो जो सहचर कोशिका है उसका केंद्रक जो है चालनी नलिका के कार्य को जो है नियंत्रित करता है। सहचर कोशिकाएं, उनमें ये विशिष्ट पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं, और ये जो है जो चालनी नलिका है नलिका के तत्वों से ये सटी रहती है। और चालनी नलिका तत्व और सहचर कोशिकाएं जो है वो गर्त क्षेत्र से जुड़ी रहती है, और ये जो है अनुदैर्ध्य भित्तियों के बीच में ये क्षेत्र होता है। तो सहचर कोशिकाएं क्या करती हैं कि ये चालनी नलिकाओं में क्या ग्रेडियंट जो है दाब ग्रेडियंट को बनाए रखती हैं। अब फ्लोएन पैरेन्काइमा क्या है? फ्लोएन पैरेन्काइमा जो है वो लंबी शुंडीय सिलेंड्रिकाकार कोशिकाएं होती हैं। इनमें सघन साइटोप्लाज्म होता है और केंद्रक भी होता है, और इसकी कोशिका भित्ति जो है वो सेल्युलोज की बनी होती है और उसमें गर्त होते हैं। और कोशिका इनके द्वारा जो है कोशिका के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा जो है उससे जोड़ होता है। सो दो कोशिकाएं किससे जुड़ी होती हैं? प्लाज्मोडेस्माटा से जुड़ी रहती हैं। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो है वो खाद्य पदार्थ और अन्य पदार्थ जैसे कि रेजिन, लैक्टस, म्यूसिलेज, इनका संचित करता इन इन सबको ये संचित करता है। और जो एक बीज पत्री पौधे होते हैं उनमें फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं पाया जाता है। सो फ्लोएम तंतु, जिन्हें हम बास्ट रेशा भी कहते हैं, ये स्क्लेरेन्काइमा कोशिकाओं की बनी होती हैं, और ये जो है प्राथमिक फ्लोएम में नहीं पाए जाते हैं, लेकिन ये द्वितीयक फ्लोएम में रहते हैं, बास्ट सेल्स जो हैं। और ये काफ़ी लंबे, अशाकित और नुकीले होते हैं। इनके सिरे जो है वो सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति काफ़ी मोटी होती है, और परिपक्वता पर इन तंतु में प्रोटोप्लाज्म जो है वो समाप्त हो जाता है। पहले प्रेजेंट था और फिर ये जो है समाप्त हो जाता है जब ये मैच्योर हो जाती हैं और ये मृत हो जाती हैं। जैसे पटसन, सन तथा भांग जैसे पौधों के जो फ्लोएम तंतु का जो है बहुत आर्थिक महत्व है, क्योंकि ये रेशा जो है हमको देते हैं। सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चालनी नली होती है, और ऐसे फ्लोएम को हम क्या कहते हैं? प्राक फ्लोएम कहते हैं या प्रोक्टो फ्लोएम कहते हैं। और बाद में बनने वाले में जो है बड़ी चलनी नलिकाएं होती हैं, चालनी नली होती है, और जो अनुफ्लोएम या फिर मेटाफ्लोएम उसको हम कहते हैं। अब उत्तक तंत्र क्या है? तो विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्र और उनकी स्थिति स्थित कोशिकाओं के आधार पर जो है हम देख रहे थे उत्तकों के बारे में। सो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं। तो तीन प्रकार के जो है उत्तक तंत्र मिलेंगे रचना और स्थिति के आधार पर। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण अथवा मौलिक उत्तक तंत्र और संवहनी उत्तक तंत्र। सो पहला है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। इसमें क्या होता है कि पौधे का ये सबसे बाहरी आवरण है। इसके अंतर्गत बाह्य जो त्वचा है, कोशिका रंध्र और बाह्य त्वचीय उपांग जो मूल रोम, ये आते हैं इसमें। कोशिका रंध्र और मूल रोम जो है ये इसमें आएंगे। और बाह्य त्वचा पौधे के भाग की बाहरी त्वचा है, और ये कोशिकाएं जो लंबी और एक दूसरे से सटी हुई होती हैं और एक अखंड जो है सतह बनाती हैं। सो बाह्य त्वचा जो है वो एकल सतह वाली होती है हमेशा, और बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो वो पैरेन्काइमी होती है, जिनमें बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहता है, और कोशिका भित्ति के ये साथ होते हैं। साइटोप्लाज्म जो कोशिका भित्ति के साथ होता है, और इसमें एक बड़ी रसधानी होती है। बाह्य त्वचा की बाहरी सतह पर मोम की मोटी परत से ये ढका रहता है, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। लेकिन क्यूटिकल जो है वो किस में एब्सेंट रहेगा? मूल में एब्सेंट रहेगा, ये मूल में नहीं पाया जाता है। सो क्यूटिकल जो है पानी की हानि को रोकता है प्लांट से। रंध्र जो है वो ऐसी रचना है जो पत्तियों की बाह्य त्वचा पर होते हैं। रंध्र जो है वो वाष्पोत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय को नियमित करता है, और प्रत्येक रंध्र में दो सेम आकार की कोशिकाएं होती हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। घास में ये जो है डंबलाकार की होती हैं, और बाकी में जो है ये किडनी शेप की होती है। और द्वार कोशिकाओं की बाहरी भित्ति जो है वो पतली होती है,
और आंतरिक भित्ति जो है वो मोटी होती है। हम देख लेते हैं, ये अंदर वाली जो है ये मोटी रहेगी और बाहर वाली जो है ये पतली जो है इसमें भित्ति रहती है। सो द्वार कोशिका का में जो है इनमें क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये जो डॉट डॉट दिख रहे हैं यहाँ हरे हरे, ये क्लोरोप्लास्ट है इनमें। और ये जो है जो कोशिका है द्वार कोशिका है इनमें ये रंध्र को खुलने तथा बंद होने के क्रम को नियमित करती हैं। कभी कभी कुछ बाह्य त्वचीय कोशिकाएं जो रंध्र के आसपास होती हैं, जैसे कि ये दिख रही है हमें यहाँ पे, ये जो है ये कोशिकाएं जो है आकृति माप और पदार्थों में इनमें जो है विशिष्टता आ जाती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं हम, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। सो रंध्रीय छिद्र द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं मिलकर रंध्रीय तंत्र का निर्माण करती हैं। सो यहाँ हम देखेंगे कि दो तरह के जो है ये सेम आकार के आकार वाली द्वार कोशिकाएं हैं, और ये जो है डंबल आकार की, जो कि किस में पाई जाती है, घास में पाई जाती है। ये इनकी बाह्य त्वचीय कोशिकाएं हैं, ये इनकी सहायक कोशिकाएं हैं, और इनमें क्लोरोप्लास्ट है ये डॉट डॉट वाला जो है, और ये द्वार कोशिका है और ये रंध्र है। सो बाह्य त्वचा की जो कोशिका है उस पर अनेक रोम होते हैं। मूल रोम, तो इन्हें मूल रोम कहते हैं। ये बाह्य त्वचा की कोशिकाओं में का एक कोशिकीय दीर्घीकरण रूप होती है और जो जल और खनिज तत्वों के अवशोषण में सहायक होती है। सो मूल रोम जो है क्या काम करते हैं कि जल और जो खनिज तत्व है उनका अवशोषण, उनको एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषण करती हैं। जबकि जो तने पे जो पाए जाते हैं ये बाह्य त्वचीय रोम, इनको त्वचा रोम या फिर ट्राइकोम्स कहते हैं। और ये प्ररोह तंत्र में ये त्वचा रोम बहुकोशिकीय होते हैं। मूल में क्या थे, ये एक कोशिकीय थे, और प्ररोह वाले में क्या है, ये बहुकोशिकीय हैं। ये शाखित या फिर अशाखित या कोमल या नरम जो है वो हो सकते हैं, और ये स्रावी भी हो सकते हैं, और वाष्पोत्सर्जन से होने वाले जल की हानि को ये रोकते हैं। अबे भरण उत्तक तंत्र, सो बाह्य त्वचा और संवहन मंडल मिलकर क्या करते हैं, ये भरण उत्तक तंत्र बनाते हैं, और सॉरी बाह्य त्वचा और संवहन मंडल के अलावा जितने भी उत्तक है वो क्या है, भरण उत्तक तंत्र का ही पार्ट है। तो वो भरण उत्तक बनाते हैं, और इनमें जो है सरल उत्तक जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये सब आते हैं। सो प्राथमिक तने में पैरेन्काइमी कोशिकाएं जो है वो क्या बनाती हैं, वल्लकुट यानी कॉर्टेक्स, परिरंभ, पित्त और मज्जाकीकरण, इनमें ये होती हैं कोशिकाएं, जो पैरेन्काइमी कोशिकाएं हैं। और पत्तियों में भरण ऊतक जो है वो पतली होती, पतली भित्ति वाली होती है और क्लोरोप्लास्ट युक्त होती हैं। इसे जो है हम पर्ण मध्योतक या मीजोफिल कहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इन नेक्स्ट वीडियो में हम मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स की जो एनाटॉमी है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक अच्छे से पढ़ाई कीजिए और घर में ही रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।